शंकर आदिनाथ को शीश नवाते हैं, हम शीश नवाते हैं। ऋषभनाथ जी का तुमको बैराग दिखाते हैं, हम शीश नवाते हैं। कैसे हुए थे बैरागी हम ये बतलाते हैं, तुमको हम बतलाते हैं। ऋषभनाथ जी का तुमको बैराग दिखाते हैं, हम शीश नवाते हैं। प्रथम जिनेन्द्र है आदिनाथ जी, ऋषभनाथ भगवान। नाभि राय और मरु देवी की सर्वोत्तम संतान। चैत्रवदी नवमी को जन्मे नगर अयोध्या धाम। आदिनाथ भगवान का पहले ऋषभनाथ था नाम। ऋषभनाथ जी अंक गणित का करते हैं विस्तार। प्रतिदिन सबको लिखना सिखाते बीज गणित का सार। राजा प्रजा सुखी थे सारे, सबको था संतोष। उनके राज्य में दोषी नहीं थे, हर कोई था निर्दोष। नगर निवासी उत्सव और उल्लास मनाते हैं, तुमको हम बतलाते हैं। ऋषभनाथ जी का तुमको बैराग दिखाते हैं, हम शीश नवाते हैं। आदिनाथ जी का जन्म अयोध्या के नाभि राय के घर में हुआ था, माता मरु देवी की कोख से। सारे अवध निवासी हर्षोल्लास से भर गए थे। बड़े होकर ऋषभनाथ ने सबको पढ़ना लिखना धर्म कर्म सिखाया, जग को ज्ञान दिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, परंतु एक बार उनके नगर में अकाल पड़ गया। कल्प वृक्ष बिछड़ने लगते हैं तो प्रजा दरबार में आकर अपना दुखड़ा सुनाती है। कल्प वृक्ष जब लगे बिछड़ने, प्रजा हुई बेहाल। आते हैं दरबार में सारे, कहते हैं अपना हाल। आप ही राह निकाले कोई, हम सब हैं अज्ञान। आप हमारे माता पिता हैं, हम संतान समान। ऋषभनाथ उन सब का संशय दूर भगाते हैं, उन सब को फिर सूर्य चंद्र का ज्ञान कराते हैं। खेती करना फसल उगाना सब समझाते हैं। नियम न्याय और आदिक का उन्हें दंड बताते हैं। ऋषभनाथ जी अपनी प्रजा का साथ निभाते हैं, सबका साथ निभाते हैं। ऋषभनाथ जी का तुमको बैराग दिखाते हैं, हम शीश नवाते हैं। ऋषभनाथ अपनी प्रजा को खेती बाड़ी का काम करना सिखाते हैं, न्याय और धर्म अधर्म का ज्ञान सिखाते हैं। ऋषभनाथ के दो पुत्र और दो पुत्रियां थे। पुत्रों के नाम भरत और बाहुबली थे। पुत्रियों के ब्राह्मी और सुंदरी, उन सबको भी विद्या सिखाते हैं।
पुत्र रतन दो ऋषभ नाथ के शोभित है दरबार, बाहुबली और भरत है दोनों सुंदर राजकुमार। दो पुत्री है ब्राह्मी सुंदरी आदिनाथ के आंगन, झूम रहा है हंसी खुशी से ऋषभ नाथ का जीवन। एक बार करवाते हैं वो नित्य का आयोजन, बैठ के सब दरबार कर रहे नित्य का अवलोकन। अल्पायु नित्यांगना की थी नाच रही दरबार, कच्ची कली सी थी वो अप्सरा गई नाच के हार। गिर गई वो कम उम्र अप्सरा, सत्य बताते हैं हम सत्य बताते हैं, आदिनाथ जी का तुमको बैराग दिखाते हैं हम शीश नवाते हैं। उस अप्सरा की आयु बहुत कम थी, नृत्य करते करते थक जाती है, उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं, वो मूर्छित होकर भरी सभा में गिर जाती है। ये देखकर दरबार में उपस्थित सभी हैरत में पड़ जाते हैं। ऋषभनाथ जी के हृदय पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, वो चिंता के गहरे सागर में गोते लगाने लगते हैं। जाग उठा बैराग उसी क्षण आदिनाथ के मन, किसी काम का नहीं हमारा ये नश्वर जीवन। बेटों को बुलवा के उनको सब समझाते हैं, राजपाट दोनों में बराबर वो बंटवाते हैं। छोड़ सभी झंझट संसारी वन को जाते हैं, राजा हजारों मिलके उनके संग हो जाते हैं। कठिन तपस्या करने लगे वो कठिन करे तपयोग, उनके साथ जो आए थे वन में भाग गए वो लोग। गर्मी सर्दी आंधी वर्षा सहते जाते हैं, वो सहते जाते हैं, आदिनाथ जी का तुमको बैराग दिखाते हैं हम शीश नवाते हैं। आदिनाथ जी के साथ जितने लोग आए थे वन में तप करने के लिए, एक एक करके सारे के सारे चले जाते हैं, परंतु आदिनाथ जी तपस्या में लीन तल्लीन टस से मस नहीं होते। आंधी तूफान सर्दी गर्मी बरसात सब सहन करते हैं, दिगंबर धारी बन जाते हैं। भूख प्यास से व्याकुल होके भागे थे जितने, लिया छुपा छाल पत्तों से अंगों को अपने। फल आदिक का भूख मिटाई भाग लिए वन छोर, सारे के सारे भाग लिए फिर अपने घरों की ओर। छह महीने तक तप में डूबे रहे थे आदिनाथ, पता चला ना कब दिन निकला और हुई कब रात। छह महीने तक भूखे प्यासे रहते हैं आदिनाथ, चले आहार करने खातिर छह महीने के बाद। भोजन की विधि उनकी कोई समझ न पाते हैं, विधि समझ न पाते हैं, आदिनाथ जी का तुमको बैराग दिखाते हैं हम शीश नवाते हैं। सुन जिन वाणी का सार है।
जब वो आहार के लिए निकले तो किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या है, उनकी विधि क्या है। कोई उनको धन देता, कोई वस्त्र देना चाहता। आदिनाथ चुपचाप चले जाते, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे। छह महीने तक रहे भटकते, मिला नहीं आहार। पहुंच गए हैं चलते चलते श्रेयांश के द्वार। श्रेयांश को अपना फिर पिछला भव याद हुआ। पड़ गाहन फिर श्रेयांश ने बिना विलंब किया। गन्ने का रस श्रेयांश से मुनिवर पाते हैं। सारी दुनिया को फिर वो उपदेश सुनाते हैं। अंत समय में मोक्ष मिला, वो स्वर्ग को जाते हैं। चांद खेड़ी में सब जा करके दर्शन पाते हैं। हम मान तुंग की बार बार जयकार लगाते हैं। सब दर्शन पाते हैं। सुखदेव जैन श्री आदिनाथ को शीश नवाते हैं। सब दर्शन पाते हैं।